बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चार दिनों का जो हम लोग का महान पर्व है भगवान भास्कर का, उसको उस पर्व को देखते हुए हम लोग छठ घाट का निरीक्षण करने आए हुए। दाहा नदी के पास जो पुलवा घाट है वहाँ भी हमने देखा कि प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की व्यवस्था हुई है, लेकिन सफाई वगैरह की व्यवस्था नहीं हुई है। हम लोग बात करके यहाँ पर सफाई की व्यवस्था करवाएंगे। हम लोगों ने कोशिश की थी कि यहाँ पे अपने फंड से भी एक छठ घाट का निर्माण करवाएं, लेकिन बाद में पता चला कि ये नमामि गंगे योजना के तहत गुटको द्वारा यह घाट का निर्माण की योजना है, और उनसे कहा जाएगा कि अगले अब की बार तो नहीं हो पाया है छठ घाट का निर्माण, अगले साल जरूर छठ घाट का निर्माण कराएं ताकि व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। सिवान जिले में देखा जाए तो कई ऐसे घाट है जो खतरनाक घाट है, बारिश के बीच पानी चढ़ा हुआ है, ऐसे में क्या आपको? हम सभी व्रतियों से आग्रह करेंगे कि ये सफाई वगैरह का व्रत है, स्वच्छता का व्रत है, और ऐसी घाट जहाँ पे किसी घटना दुर्घटना की आशंका है वैसे घाटों पर न जाएं। अपने घर में ही भगवान के भास्कर को या ऐसे तालाबों पर जाएं जहां पे कोई असुविधा न हो, आप वहां पे जाकर भगवान भास्कर को अर्घ दें। से जो टीम आती है वो सब टीम आ रही है कि नहीं, क्या कुछ बात हुआ है गाड़ी से? देखिए अभी हम लोग बात करेंगे, अभी बात करेंगे उनसे, और जो भी इसमें सुरक्षा कर्मी लगते हैं उनको लगाया जाएगा, और जो भी सफाई की व्यवस्था है वो कराया जाएगा। मैडम देखा जाए तो ये सिवान का सबसे बड़ा छठ घाट है, वैसे में व्यवस्था देखा जाए तो आप छठ घाटों की तरह यहाँ पर व्यवस्था देखी जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ विशेष किया जाएगा? अभी 3 दिन अभी बाकी हैं, आप देखिएगा उस दिन कोई परेशानी छठ व्रतियों को नहीं होगी, किसी को परेशानी नहीं होगी, सभी माताएँ बहनें आएँगी यहाँ पर और बढ़िया से अपना अर्घ अर्पण करके पूजन करके यहाँ से जाएँगे। क्या ये माना जाएगी समय सही तरह पूरी कर ली जाएगी? हमारी कोशिश रहती है, हम लोग कार्य भी करते हैं और प्रशासन भी कार्य करता है, हम लोग लगातार बात करेंगे, हमें लगता है जरूर पूरा होगा। क्या व्यवस्था है और इस तरह से क्या अच्छा व्यवस्था किया जाएगा? अभी तो देखने आए हैं और क्या होना चाहिए इसको कराने का अब से शुरू होगा, प्रयास होगा, क्योंकि घाट उट बनवाने के लिए तो माननीय सांसद जी ने लिखी थी, लेकिन NOC नहीं मिलने की वजह से यह कार्य नहीं हो पाया, नहीं तो इस साल घाट बन गया होता। लेकिन अभी तत्काल में हमको लग रहा है 3-4 दिन के अंदर इस घाट के सरसफाई हो सकता है, और सफाई करके और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके इस छठ को पूजा को सफल बनाया जाएगा, और बाकी आगे इस घाट के पूरे नदी के जो है शहर में जितने नदी किनारे जो घाट हैं सबको बना, ये योजना ली भी गई है, करीब जो है 1 करोड़ के लागत से ये योजना का प्रोजेक्ट बना है कि नदी के सभी घाटों को ठीक करें और नदी को सौंदर्यीकरण करने की योजना ली गई है। सिसवान दरौली और गंगापुर कुछ ऐसे छठ घाट है जहाँ पानी का दबाव पूरी तरह से दिल्ली ने नहीं देखिए, ये पानी ये से गलत समय में आया है, जो गंगा में पानी जो गंडक में पानी बढ़ा है इस समय नहीं बढ़ता था, लेकिन इस बार बढ़ा है वहाँ कीचड़ हो गया है। हम लोग गए थे, कई घाटों का निरीक्षण किए, सांसद जी भी गई थी, हम भी गए थे और जा कर के निरीक्षण किए हैं। वहाँ के लोगों से हम लोग कहें कि इस बार छठ घाट उस घाट पर न जाएं, इधर ही मनाएं जहाँ सुविधा है, क्योंकि पूजा तो सभी के कुशलता के लिए की जाती है, सभी के भला के लिए की जाती है। पूजा जो की जाती है तो उसमें सब होनी चाहिए, कहीं घटना नहीं घटनी चाहिए। घटना का आशंका है जिस घाट पर, उस घाट पर नहीं ठीक है, क्योंकि नदी के किनारे जो घाटे हैं उस पर दलदल हो गया, हम लोग हैं वहाँ माना, लोगों ने माना बार उधर नहीं, इस बार इधर मना लेंगे उस ठीक हो। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसी तरीन ताजा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें लाइव 10 न्यूज के साथ।